आज आप सबके बीच में बिरहा जगत के श्रोता सज्जनों एक बिरहा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, एक महान विभूति की गाथा गाने जा रहा हूं। स्वर्गीय श्री पारसनाथ यादव जौनपुर जनपद के शान, पूर्वांचल की गरिमा, पूरे पार्टी की तरफ से ये श्रद्धा सुमन समर्पित है। बिरहा में चार लाइन भूमिका बा मास्टर। कि पारस तो पारस थे अपने गुणों से, लोहे को सोना बनाते थे पारस, अन्याय से सबको लड़ना सिखाते, सोए हुए को जगाते थे पारस, यदुकुल के गौरव और जनपद की गरिमा, सबको गले से लगाते थे पारस, कभी शिव जगत पास में रो दिया तो ढाढ़स दे साहस बढ़ाते थे पारस। हमारे जौनपुर जिले के शान स्वर्गीय पारसनाथ यादव, अगर उनके पास कोई जा करके अपना दुख दर्द कह देता था, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कबीर जी ने लिखा कि कभी पास जा शिव जगत रो दिया तो ढाढ़स दे साहस बढ़ाते थे पारस। एक बार उनका भी कुछ काम था, जा करके उनके सामने अपनी बात को रखे और दिल द्रवित हो गया कबीर जी का और उनका काम किए। इसलिए कबीर जी ने कहा कि जगदीश एक श्रद्धांजलि बिरहा स्वर्गीय पारसनाथ का गाना है। एक लाइन गीत लगी मास्टर, आध्यात्मिक गीत बा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, बहुत से लोग जीवन में आगे पीछे जुड़े हैं। जैसे इंसान ट्रेन में सफर करता है, बहुत से लोग उस ट्रेन में सवार होकर के सवारी करते हैं, लेकिन जिसका स्टेशन जहां आता है वहीं उतर जाता है। उसी ढंग से जीवन है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, बहुत से लोग जुड़े हैं जीवन में, माई बाबू नात रिश्तेदार, पत्नी है, बेटा है, परिवार है, लेकिन जब आपका स्टेशन आ जाएगा तो आपको उतरना होगा। साथ में सफर करने वाले सब लोग जाते रहेंगे। करता सब कोई जिसकी बड़ाई दिखा, करता सब कोई जिसकी बड़ाई दिखा, क्योंकि इतिहास ऐसा उन्होंने लिखा, करता सब कोई जिसकी बड़ाई दिखा, क्योंकि इतिहास ऐसा उन्होंने लिखा। कहानी है कहाँ की ध्यान देंगे।
जौनपुर जनपद में कारो बन कड़ी एक गांव सही बरसठी ब्लॉक के अंतर्गत जौनपुर में एक गांव है जिसका नाम है गहरपुर कारो। जौनपुर जनपद में कारो बन कड़ी एक गांव सही रहे श्री राम यादव गांव के किसान वही कुशल गृहणी भी राज कली रही घरवा में कुशल गृहणी भी राज कली रही घरवा में चार संतान हुए माता के अचरवा में बड़े गिरिजा शंकर यौ छोटे पारसनाथ हुए बड़े गिरिजा शंकर यौ छोटे पारसनाथ हुए बहन चन राजन रा किस्मत विधाता साथ दिए मिली है शिक्षा दहलीज के जवानी से मिली है शिक्षा दहलीज के जवानी से धरे है राह राजनीति के प्रधानी से। कारो बनकट में श्री राम यादव पिता का नाम है उनके और माता का नाम है राजकली देवी। उनके पास चार संतान हैं, दो भाइयों में सबसे बड़े गिरिजा शंकर यादव, दूसरे नंबर पर श्री पारसनाथ यादव और दो बहन थी चनरा और जनरा। बड़ा ही सुंदर परिवार है। समय बीत रहा है, जवानी की दहलीज पर जो ही पहुंचे बहुत कम उम्र में अपना किस्मत अजमाना चाहते हैं, प्रधानी का चुनाव आ गया, चुनाव लड़ जाते हैं। एक लाइन गीत लगी मास्टर। बारह जनवरी 1949 को जन्म हुआ है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में प्रधानी का चुनाव लड़ जाते हैं। हुआ क्या, 1972 प्रधानी के चुनौआ गौआ क भैले प्रधान। बनी धर्म पतनी हीरावती से सदिया 1974 दरम्यान हो 1974 दरम्यान समय बीत रहा है। 1972 में प्रधान हुए, प्रधान होते हुए वर्तमान में उस समय अपनी शादी किए और शादी होने के बाद एक बार फिर प्रधान का चुनाव जीतते हैं। दो बार प्रधान रहे, उसके बाद सन 1982 आया है। जो ही 82 आया, एक लाइन गीत लगी मास्टर। तर्ज जाए दे भाव पे आवे, अरे राम तगदीर फरई मोतिया ए बाबू तगदीर फरई मोतिया लिखल है विधाता तगदीर फरई मोतिया सफल पारसनाथ जी का भैले राजनीतिया लिखल है विधाता तगदीर फरई मोतिया लिखल है विधाता तगदीर फरई देखिए धीरे धीरे किस्मत बदल रही है, कर्म के अनुसार किस्मत बदलती हुई आगे बढ़ रही है। 1982 जागल मनवा में भौआ 2 बार प्रधान रहने के बाद दिल में एक इच्छा जागी कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ जाऊं, प्रधान का पद छोड़ देता हूं। 1982 जागल
मनवा में भौआ और जिला पंचायत वाला लड़ी गए चुनौआ। दौआ लगल बा देख बनी गैली बतिया, दौआ लगल बा देख बनी गैली बतिया, लिखल है विधाता तगदीर फर है मोतिया, लिखल है विधाता। जिला पंचायत का चुनाव 1982 में जीत गए और 2 साल बाद फिर एक अवसर आ गया। धीरे धीरे आई गई ले 1985, दमकी पासे बने पारसनाथ प्रत्याशी। '85 में दमकिपा पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी से विधायक के प्रत्याशी बने। प्रत्याशी बने तो हुआ क्या, हो गए विधायक पौले जनता का प्रीतिया, हो गए विधायक पौले जनता का प्रीतिया, लिखल है विधाता तगदीर फर है मोतिया, लिखल है विधाता। लगातार 2 बार विधायक हुए। विधायक होने के बाद उनके बड़े भाई गिरिजा शंकर यादव इंस्पेक्टर थे और माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी से पहचान था उनका, उस समय उनकी सरकार थी, ले जाकर के मिलाते हैं और नेताजी की एक लाइन गीत लगी मास्टर। मिले हैं मुलायम बढ़ी सूरज कललाई, मंत्री दिए हैं पारसनाथ को बनाई, जनता का प्यार मिला पाए मंजिल ले सपाती साइकिल, जनता का प्यार मिला पाए मंजिल ले सपाती साइकिल, चुनाव जीतने वाला सिलसिला चालू हो गया। लगातार चुनाव जीतना चालू कर दिए। हुआ क्या, 2 बार सांसद विधायक 7 बार हो, इतना लंबा चुनाव जीते लगातार। हो सकता है कोई होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो प्रधान पद से लेकर के सांसद विधायक जिला पंचायत तक कोई चुनाव बाकी नहीं रहा जो न जीते हों। हुआ क्या, 2 बार सांसद विधायक 7 बार हो, किए संघर्ष मंत्री बने 3 बार हो, जलवा से जे करे विरोधी जाले हिल ले सपा की साइकिल, जलवा से जे करे विरोधी जाले हिल, धीरे धीरे समय बीत रहा है, बड़ा ही सुंदर समय है, लेकिन बाबू थोड़ा ही समय बीता है। 2016 में एक घटना घट जाती है विदेशिया के अंदर। भाव मास्टर, सब कुछ
कुशल रहले घरवा बहरवा हो उतरल बहोनी घटी गैली हो न हरिया 2016 रहले 20 दिसंबर हो हार्ट फेल हीरावती छोड़ली शरीरिया 2016 में उनकी धर्मपत्नी लकी भाई के माताजी का देहांत हो जाता है, हार्ट फेल हो गया। वो भी ब्लॉक प्रमुख थी। धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे बीतल 4 साल का समैया हो होई गईली मंत्री जी के कैंसर का बेमरिया कहे दुनिया का सत्य जवन आइल ऊ समैया हो स्वर्गी पारसनाथ छूटल माया के बजरिया। 2016 के बाद धीरे धीरे समय बीत रहा है, विपत्ति से थोड़ा ऊपर उठते हैं, लेकिन कैंसर की बीमारी हो जाती है। इलाज करते करते लास्ट में इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। जो दुनिया का सत्य है आकर के सामने खड़ा हुआ, जाना पड़ा इस दुनिया से। मौत ही सत्य है, जाना पड़ा। आज वही नहीं गए हैं, पूरे दुनिया में जो आया है उसको जाना है एक दिन। इसलिए कहना है कि जुटा लो चाहे जितना जुटा लो, लेकिन सब कुछ छोड़ करके जाना होगा। सुगनवा सुगनवा तजिके कहिले पिजरा, जवन बोलत न एक दिन न बोले। सुगनवा तजिके कहिले पिजरा छूटल महल अटारी ना हो, छूटल महल अटारी तब हो छूटल महल अटारी, छूटल महल अटारी माया का जहनवा सुगनवा तज के गईले पिजरा। एक बात जान लो दोस्त, इतिहास उसी का बनता है जो इतिहास बनाता है। बहुत जने रुपया रखे हैं, पैसा रखे हैं, उसे इतिहास न बने। लॉकडाउन पैदल आवत पड़ी बंबई से दोस्त, न कोनो जहाज मिली न कोनो ट्रेन मिली, पैदल अटैची घर्रावत के रोडे पे आवत पड़ा। यह नाते कहना है इतिहास उसी का बनता है। किसका लिखा है जो इतिहास वही करता इतिहास बड़ाई है, जाति धर्म नहीं रूप वरन दुनिया में कर्म पुजाई हो। 12 जून सन 20 सुनो दिन शुक्रवार था भाई हो, चले स्वर्ग श्री पारसनाथ जी, चले स्वर्ग श्री पारसनाथ जी बगिया सुघर लगाई हो। भाई साहब जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जो तारीख थी 12 तारीख, और 12 तारीख को उनका अंत भी 12 तारीख को होता है। एक लाइन गीत लगी, मास्टर गीत बड़ी सुंदर बा। गीत वह भी जो मास्टर बजाय निर्गुणी गीत बा।
जीवन में कीर्तिया कमाई गई ले बाबूजी। जीवन में कीर्तिया कमाई गई ले बाबूजी, सजाई गई ले बाबूजी, हरी भरी बगिया लगाई गई ले बाबूजी। खिले तीन फूल लहराई फुलवरिया, बगिया में आई बेटी कंचन कुमारिया, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के पास तीन पुत्र हुए, सबसे बड़े लक्की भाई और दूसरे पर ओम और तीसरे पर वेद। एक बेटी है जिसका नाम है कंचन, बड़ा ही सुंदर परिवार है। सब ही कजोड़ावा लगाई गई ले बाबूजी, बनाई गई ले बाबूजी, हरी भरी बगिया लगाई गई ले बाबूजी। इस दुनिया को छोड़ करके चल दिए, चल तो दिए लेकिन जो जहाँ से ही सुना और चल देता है। लॉकडाउन का वक्त था, सब लोग बंधे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, सब लोग अंदर थे, लेकिन फिर भी लोगों ने चल दिया, पहुँचे उनके आवाज पर। एक लाइन गीत लगी मास्टर, बड़ी पुरानी गीत बा। अरे रुठल विधाता लिखल रहल हो न हरिया हो नजरिया बरसे, रुठल विधाता लिखल रहल हो न हरिया हो नजरिया बरसे, बाबू छोड़ल धारा में नवा लकी ओम बेद छोड़ी के भोकारिया हो नजरिया बरसे, रोवे लकी ओम बेद छोड़ी के भोकारिया हो नजरिया बरसे, बाबू छोड़ी के गईला कौनी ओरिया हो नजरिया बरसे, तीन बहू हैं, तीनों बहू तीनों बेटे, परिवार के सदस्य सब रो रहे हैं। पुष्पा अर्चना रोवई उर्वशी गुजारिया हो नजरिया, पुष्पा अर्चना रोवई उर्वशी बहूरिया हो नजरिया पर, रोवई कंचन फूटे ना बेकारिया हो नजरिया बरसे,
लकी भाई के पास दो बच्चियां हैं जिनका नाम सुहानी और तमन्ना है। दोनों लड़किए जाए के पकड़ के लसिया के बाबू को रोवत है नो। सुहानी तमन्ना रोवई लकी के दुलारिया हो नजरिया परसे, दादा नाही खोले ले पुतारिया हो नजरिया परसे। मंत्री जी के जो छोटे सपुत्र हैं वेद, वेद की एक पास एक बेटा है छोटा सा मुन्ना है, वो जा करके पिताजी की लाश पे गिर करके रो रहा है। जिस समय रो रहा था और लोग देखे जब उस नजारा को तो लोग रोक नहीं पाए अपने आप को, सबके आंखों में आंसू है। रोवैले बिरात रोवई सारी फूलवारिया हो नजरिया बरस, करुणा का घेर ले बदारिया हो नजरिया बरस। परिवार में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है के करे सहारे तजी के गईला कुली बजारिया हो नजरिया, नहीं कतोड़ी के रसारिया हो नजरिया बरसे। एक खबर चारों तरफ पूरे जिले में, इतना ही नहीं पूर्वांचल में सब लोग जान गए कि आज माननीय मंत्री जी इस दुनिया में नहीं रहे। जो जहां से सुना वहीं से चल दिया। अइले ना तही तपा के फोन पर खबारिया हो नजरिया, लेके चल गंगा के कछारिया हो नजरिया बरसे। तीनों बेटों में सबसे बड़े लकी भाई थे, इसलिए उन्होंने जा करके मुखाग्नि देने का काम किया। तो कवि जी ने लिखा, दिहले मुखाग्नि लकी बेटा जौनी धारिया हो नजरिया, मिली गए पंचतत्व में शरीरिया हो नजरिया बरसे। मुखाग्नि देने के बाद पूरा परिवार वहां से दाह संस्कार करके जब घर आता है, और घर आने के बाद जब पिताजी कहीं से आते थे तो पिताजी से मुलाकात होती थी, आज बाबू घरे नाए हैं। बाबू कित जलाई के आए गए हैं, बाबू रहे कहां घरे, आए के पूरा परिवार रोवत है। कैसे दाह संस्कार कई के लौटे जब दुआरिया हो नजरिया बरस, बाबू बिन बताई के डगारिया हो नजरिया बरसे। जनता की एक आवाज उठी चारों तरफ से, जिसका जीवन में भलाई हुआ था उपकार हुआ था, उन्होंने मंत्री जी के लिए कहा, क्या कहा,
जनता एक है उठी है भगवान थे पारस, जनपद की आन बान के समान थे पारस। नेता मुलायम सिंह जी के शान थे पारस, अखिलेश यव शिवपाल जी के जान थे पारस। कहते हैं राज बहादुर श्रीमान थे पारस, ललई भी कह उठे हैं स्वाभिमान थे पारस। संसद तूफानी कह उठे इंसान थे पारस, श्रद्धा बखानती है महान थे पारस। जनपद की आन बान के सम्मान थे पारस। श्रद्धा बखानती है महान थे पारस। पूरे जिले से आवाज उठने लगी, जय हिंद यादव कह उठे गुणवान थे पारस। कहते हैं लाल बहादुर बलवान थे पारस। हमने देखा है जब जहां पर धरना प्रदर्शन होता था, जिस जिदारी से, जिस मजबूती से मंत्री जी कहीं भी धरना पर बैठ जाते थे तो किसी के पास औकात नहीं है कि वहां से उठा दे। जय हिंद यादव कह उठे गुणवान थे पारस। कहते हैं लाल बहादुर बलवान थे पारस। जगदीश नारायण के अरमान थे पारस। पाली से श्याम मुरारी के पहचान थे पारस। राजेंद्र यादव बरजी के रुझान थे पारस। दिलीप यव सिकंदर के प्राण थे पारस। दिलीप यो सिकंदर के प्राण थे पारस। जनपद की आन बान के सम्मान थे पारस। पूरे जनपद में शोक का लहर है, आल्हा में प्रमाण मास्टर। जनपद में चारोरी शोक का लहरिया भैया, सपा के बगीचा में माचल हाहाकार। जगधारी यादव पन धारी लाल नेता बाबू, डॉक्टर भूपेश शरम दी या लगन बजा। कमला पहलवान वही पाली के नगरिया बाबू। अमरनाथ यादव प्रधान तहिबा, नीरज पहलवान अवध नाथ पाल डॉक्टर भैया। प्रमुख कैलाश अभी मनु भय लचा, यशवंत राम लखन के पी रघुवंशी बाबू। मौरिया राकेश जी के शोक भरिया,
बच्चे लाल यादव तीर लोचन धर्मशाला भैया नंदू सेठ के बा भारी चिंता भरिया लास्ट में लोगों की एक आवाज है कहना है क्या कहें सब केहू डूब गईले सुरजवा और चेता लकी भाई अपने बाबू का बजा वर्तमान में हमारे मंत्री जी वर्तमान में विधायक थे मल्हनी से इसलिए कवि जी ने एक लाइन आशीर्वाद के रूप में लिखा कि लकी भाई अपने पिताजी की विरासत है इसको आपको संभालना है और खड़ी में लास्ट मास्टर एक पर्दा बढ़ाए के अरे मंत्री जी का मंत्री जी का पगरी सरसवार ये लकी आज समय आ गया है आपके हाथों में पिताजी की बागडोर है उसको संभालना है आपको मंत्री जी का पगरी सरसवार ये लकी अपने बाबू का बजरिया संभारा ये लकी मल्हनी की जनता पुकार रही है आवाज दे रही है और आपको बुला रही है दीन दुखी मजदूर किसान का रखना सदा ख्याल पारस का सम्मान संभालो पारस नाथ के लाल स्वर्गीय बाबू पारसनाथ यादव को हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने श्रद्धांजलि दिया और श्रद्धांजलि दिया इस भाव में कि श्रद्धांजलि उनकी तभी सच्ची होगी मैं टिकट दे रहा हूं आपको चुनाव जीतना है जीत करके वहां से दिखा दीजिएगा उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी अपने दीन दुखी मजदूर किसान का रखना सदा ख्याल पारस का सम्मान संभालो पारस नाथ के लाल बन जा यही जनता का दुलारा ये लकी अपने बाबू का बजरिया संभारा ये लकी अमर अंबिका बाबू नंदन उदय राज गएगा के कवि जी ने लिखा कि अमर अंबिका बाबू नंदन उदय राज गएगा के हमारे मंत्री जी थे हमने देखा है जहां भी उनका कार्यक्रम कहीं भी लगता था तो वहां पर वकील साहब उदय राज जाकर के मंच पे गाने का काम करते थे अमर अंबिका बाबू नंदन उदय राज गएगा के इंद्रदेव शिव जगत चेतावई बार बार समझा के सुगनवा तजी के गईले पिंजरा सुगनवा तजी के गईले पिंजरा सुन के समाचार जगदीश का बिहबल मनावा सुगनवा तजी के गईले पिंजरा